को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। जैसे कि इसके पहले भी हमने आज जब शुरुआत में सेकंड सेमेस्टर क्लासेस लिया था तो हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, ठीक है। तो चलिए जानते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है। तो अगर मैं आप सभी को हिंदी में अगर बताऊं स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, तो संरचनात्मक। अप्रोच मतलब क्या होता है, दृष्टिकोण यानी मीनिंग। और सबसे पहले देखिए मैं आप सभी को बता दूं कि इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ स्ट्रक्चर यानी किसी भी सेंटेंस के लिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण होता है वो कि हर एक वर्ड्स कहां पे कौन से जगह पे फिट और किस तरीके से उसको मीनिंगफुल बनाया जा सकता है, ठीक है। ताकि तभी तो आप एक अच्छे वाक्य का निर्माण कर सकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा तो फिर आप किसी भी सेंटेंस को बहुत ही अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से आप सेट नहीं कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले क्या कह रहा है, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सर्टेन ऑर्डर दैट कन्वे सम मीनिंग। यानी देखिए अभी मैंने बताया कि यहाँ पे यही होता है कि किस तरीके से किसी भी वर्ड को किस तरीके से उसको अरेंज किया जाए कि उससे कुछ अर्थ मीनिंग निकल सके। दूसरा जो पॉइंट कहता है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कन्वे डिफरेंट मीनिंग। यानी अगर आप अरेंजमेंट अलग ढंग से करते हैं तो क्या डिफरेंट मीनिंग यानी उसका अलग अर्थ निकलता है। अभी एग्जांपल के लिए अगर हम कहें कि आई एम रीडिंग, ठीक है, आई एम रीडिंग, तो यहां पे क्या होगा, मैं पढ़ रही हूं, आई एम आई रीडिंग। तो अब देखिए आपका केवल और केवल क्या है, आई एम और रीडिंग, आपके सामने तीन वर्ड दिख रहा है। अब आप इसको किस तरीके से सेट कर सकते हो जिसका अलग अलग अर्थ निकले। जैसे कि तीन ही वर्ड है, सबसे पहले जो मैंने सेंटेंस बोला आई एम रीडिंग, बट जैसे कि अब क्या कर देंगे, आई एम आई रीडिंग मतलब मैं पढ़ रही हूं, क्या मैं पढ़ रही हूं। तो आप देख सकते हो कि तीन वर्ड्स है, लेकिन जब स्ट्रक्चर हम इस तरीके से सेट करते हैं कि कुछ उसका अलग अर्थ निकलता है, ठीक है। और फ्रेंड्स आप सभी को बताऊं कि ये जो आपका स्ट्रक्चरल मेथड होता है सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है वो लिसनिंग और स्पीकिंग पर किया जाता है। जैसे कि मैंने कल डिस्कस भी किया था, जो बाइलिंगल मेथड होता है या फिर जो ऑडियो लिंगल मेथड होता है वो किस पे फोकस होता है, तो स्पीकिंग और लिसनिंग पे ज्यादा फोकस होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे देखिए सी इज स्मार्ट यानी वह सुंदर है, ठीक है। इज सी स्मार्ट, क्या वो स्मार्ट है, स्मार्ट सी इज, वाकई वो स्मार्ट है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो सी इज स्मार्ट केवल थ्री वर्ड है, लेकिन हमने इस तरीके से इसको सेट किया कि तीनों ही मीनिंग के कुछ अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो फ्रेंड्स यही है स्ट्रक्चरल अप्रोच और सबसे ज्यादा इसी पे फोकस किया जाता है, ठीक है। सी इज स्मार्ट, इज सी स्मार्ट, स्मार्ट सी इज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए न्यू अप्रोच एंड ओरल ओरल अप्रोच, यानी जो आपका ये मेथड होता है, जो दृष्टिकोण होता है वो ओरल और ओरल पे बेस्ड होता है, ठीक है, सुनने और बोलने पे, ठीक है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वोकैबुलरी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अगर आप विदेशी भाषा सीख रहे हो, अगर आप उसमें मास्टरी यानी आप उसमें बहुत ही अच्छा अपना जो भी है प्राप्त करना चाहते हो, जो भी आप लैंग्वेज सीख रहे हो बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते हो, तो सबसे पहले जो आपका इम्पोर्टेंट यानी जो महत्वपूर्ण होता है वो स्ट्रक्चर होता है, उसके बाद वोकैबुलरी आती है। यानी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण माना जाता है वो स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाता है, उसके बाद देख सकते हो मोर इम्पोर्टेंट देन द वोकैबुलरी, यानी सबसे पहले स्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाता है, तब आप शब्दावली पे ध्यान देंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी, यानी आप फॉरेन लैंग्वेज या विदेशी भाषा में बहुत ही अच्छे से सीखना चाहते हो तो आपको मास्टरी मतलब होता है महारत, ठीक है। तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो स्ट्रक्चर का होता है, तब आपका वोकैबुलरी का होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट कहता है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पीच नॉट राइटिंग, यानी जो आपका यह सिद्धांत है यह भाषण, क्योंकि लिसनिंग और स्पीकिंग बोलना और सुनने पे बेस्ड होता है ना कि राइटिंग,
ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पीच नॉट ऑन राइटिंग, यानी जो आपका यह सिद्धांत होता है, स्ट्रक्चर अप्रोच सिद्धांत होता है, यह भाषण यानी आप कह सकते हो सुनने और बोलने का पे बेस्ड होता है, आधारित होता है, लिखने पर नहीं। फोकस ऑन सर्टेन स्ट्रक्चर एंड पैटर्न, यानी सबसे ज्यादा जो फोकस किया जाता है स्ट्रक्चर और पैटर्न पे फोकस किया जाता है, जैसे अभी शुरू से ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अगला जो पॉइंट कहता है, स्टूडेंट आर ओरल एंड स्टूडेंट कॉपी देम बाय ड्रिल, यानी सबसे पहले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सुनते हैं, उसके बाद कॉपी करते हैं और उसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आपका रिपीटेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्वेश्चन आंसरिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट कहता है, इंडिविजुअल स्टूडेंट एक्वायर 275 बेसिक स्ट्रक्चर आफ्टर स्कूलिंग एंड कंप्लीट 3000 वर्ड्स इन वेकेब, यानी जब जो छात्र होते हैं जब वो क्लास यानी जब स्कूल में पढ़ते हैं तो वो 275 बेसिक स्ट्रक्चर यानी वो इतना वर्ड अपने आप वो कंप्लीट कर लेते हैं, और जैसे ही उनका स्कूलिंग कंप्लीट होता है, उनकी स्कूली शिक्षा जैसे ही कंप्लीट होता है, तो वो 300 शब्द उनका शब्दावली में आ जाता है। अब देखिए, सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर यानी आपको शुरुआती पढ़ाते टाइम यानी जब आप शुरुआत में इस अप्रोच से पढ़ा रहे हो तो उस टाइम आपको क्या ध्यान देना चाहिए, तो सबसे पहले सिंपल स्ट्रक्चर यानी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि उनको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ जाए। ठीक है, जैसे कि सिंपल स्ट्रक्चर में आप कह सकते हो कि जैसे ही इज सिंग, इस तरीके से आप मतलब सिंपल होना चाहिए। उसके बाद देखिए, यूजफुल होना चाहिए, उसके बाद टीचेबल स्ट्रक्चर यानी पढ़ने योग्य होना चाहिए, और प्रोडक्टिव होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी। तो फ्रेंड्स, ये हो जाता है सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, सबसे पहले सिंपल, उसके बाद यूजफुल, उसके बाद टीचेबल और उसके बाद प्रोडक्टिविटी। अब देखिए, टीचिंग स्ट्रक्चर सिचुएशन, सबसे पहले तो देखिए आपको गेस्चर एंड एक्शन करके बताना चाहिए, ब्लैक बोर्ड का यूज करना चाहिए, और उसके बाद पिक्चर चार्ट मॉडल इसका भी यूज करना चाहिए। तो ये हो जाता है टीचिंग स्ट्रक्चर सिचुएशन। उसके बाद देखिए, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर यानी जो आपका टाइप्स यानी कौन कौन से, तो सबसे पहले तो सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी वाक्य, जैसे सिंपल, राधा इज अ गुड गर्ल। ठीक है, फॉर्मूला स्ट्रक्चर, तो इसमें जो आपका हो जाता है गुड आफ्टरनून। फ्रेज स्ट्रक्चर, जिसमें आपका फ्रेज कुछ आ जाते हैं, ठीक है, फ्रेज वाले वाक्य। उसके बाद देखिए, इडियमिक स्ट्रक्चर, जिसमें मुहावरे आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आपका पूरा स्ट्रक्चर। अब देखिए, इसमें जो ये पूरा क्या था, आपका मेरिट था। अब डीमेरिट में आप कह सकते हो कि इसमें केवल और केवल किस पे फोकस किया जाता है, लिसनिंग और स्पीकिंग यानी रीडिंग और राइटिंग को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और इसमें जो वोकैबुलरी पे ध्यान नहीं दिया जाता है, इसमें बोला जाता है कि सबसे ज्यादा जो फोकस करना चाहिए वो स्ट्रक्चर यानी संरचना पे फोकस करना चाहिए, और उसके बाद आपको वोकैब पे बढ़ना चाहिए। उसके बाद देखिए, सबसे पहले तो इसमें जो आपका जो भी छात्र होते हैं वो सबसे पहले जो भी टीचर पढ़ा रहा है उसका कॉपी करते हैं, मतलब सुनते हैं, फिर उसका कॉपी करते हैं, और उसके बाद वो प्रैक्टिस, रिपीटिंग, ये सब करते रहते हैं। तो आप देख सकते हो कि टीचर सबसे पहले पढ़ाता है, उसके बाद उसका कॉपी, यानी जो छात्र होते हैं इसमें भी क्या, वो अपना पॉइंट नहीं रह सकते। सिंपल आप सभी को समझ में आ गया होगा, और सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है वो संरचनात्मक, और जो उनका टीचिंग मेथड होता है वो ओरल और ओरल यानी लिसनिंग एंड स्पीकिंग होता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए एक बार और आप सभी को बता दें, ताकि 2 मिनट में आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ क्लियर हो जाए। देखिए, अगर आपके एग्जाम में आता है स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, तो सबसे पहला जो आपका पॉइंट होगा, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सर्टन ऑर्डर दैट कन्वे सम मीनिंग, यानी किसी भी वर्ड्स को किस तरीके से हम उस पे सेट करें, अरेंज करें, ताकि उसका एक मीनिंगफुल वाक्य बन सके। डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कन्वे डिफरेंट मीनिंग, यानी डिफरेंट तरीके से अगर हम अलग तरीके से उसका अरेंज करते हैं तो उसका अलग अलग अर्थ भी निकलता है। जैसे आप सभी को सी इज स्मार्ट, इज सी स्मार्ट, स्मार्ट सी हीज। न्यू अप्रोच सबसे महत्वपूर्ण, ओरल और ओरल अप्रोच यानी लिसनिंग और स्पीकिंग पे ये बेस्ड होता है। अगर आपको लर्निंग, यहाँ पे कह रहा है लर्निंग अ फॉरेन लैंग्वेज, मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज अ मोर इम्पोर्टेंट देन द वोकैबुलरी, यानी अगर आप फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हो उसमें आपको मास्टरी हासिल करना है, तो सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर पे ज्यादा फोकस करना होगा, उसके बाद आपको वोकैबुलरी पे ध्यान देना होगा।
वेज ऑन द प्रिंसिपल यानी जो ये आपका स्ट्रक्चर होता है यह सिद्धांत भाषण यानी लिसनिंग और स्पीकिंग पर होता है नॉट राइटिंग. फोकस ऑन सर्टन स्ट्रक्चर एंड पैटर्न यानी सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया जाता है, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न पे किया जाता है. स्टूडेंट और ओरल एंड स्टूडेंट कॉपी डिम बाय ड्रिल यानी सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सुनते हैं, उसके बाद कॉपी करते हैं, फिर बहुत ज्यादा ड्रिलिंग यानी प्रैक्टिस करते हैं, रिपीटेशन सब्स्टिट्यूशन एंड क्वेश्चन आंसरिंग करके इस तरीके से याद करते हैं. इंडिविजुअल स्टूडेंट एक्वायर्ड 225 बेसिक स्ट्रक्चर आफ्टर स्कूलिंग एंड कंप्लीट 3000 वर्ड्स इन वोकैब यानी जब वो स्कूल में होते हैं तो 275 इस तरीके से बेसिक स्ट्रक्चर उनको पता होता है या वोकैब का पता होता है, और उसके बाद जैसे ही उनकी स्कूली शिक्षा समाप्त होती है तो वो 300 वर्ड्स उनके वोकैब में आ जाता है. सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर सबसे पहले सिंपल होना चाहिए, फिर यूजफुल हो, उसके बाद टीचेबल और उसके बाद प्रोडक्टिव होनी चाहिए. उसके बाद देखिए टीचिंग स्ट्रक्चर यानी आप किस तरीके से यूज कर सकते हो, तो एक्शन करा के, ब्लैक बोर्ड का यूज करके, पिक्चर चार्ट मॉडल दिखा के. उसके बाद देखिए सेंटेंस, सबसे पहले तो टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर चार होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, फॉर्मूला स्ट्रक्चर, फ्रेज स्ट्रक्चर और एडेमिक. तो सबसे पहले सेंटेंस में आपका सिंपल आता है, फॉर्मूला में आप कह सकते हो कि अभिवादन, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, ये सभी आ जाते हैं, ठीक है, थैंक यू, ये सभी जितने भी आपके शिष्टाचार के वाक्य होते हैं ये फॉर्मूला स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, फ्रेज आ जाते हैं, ठीक है, और ठीक है, और जो फोर्थ है इसमें आपका मुहावरा आ जाता है. तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको बहुत ही आसानी के साथ ये क्लियर हो गया होगा. सिंगल मेथड, आडियो मेथड, स्ट्रक्चरल मेथड, ये जितने भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप सभी को सिंपल प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट का लिंक आप सभी को कमेंट्स बॉक्स या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो. फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिचुएशनल अप्रोच क्या होता है. नाम से ही पता चल रहा है कि किसी भी वर्ड या कुछ भी आप पढ़ा रहे हो तो वैसा ही सिचुएशन आप अगर बनाएंगे तो बहुत ही इफेक्टिव प्रभावी रहता है. ठीक है, सिचुएशनल अप्रोच क्या होता है चलिए जानते हैं. वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए. देखिए पहला जो आपका लाइन है, द सिचुएशनल अप्रोच इंडिकेट्स एज टू हाउ अ टीचर शुड क्रिएट अ रियल सिचुएशन इन द क्लासरूम. देखिए यहां पे ये कह रहा है कि यह जो आपका दृष्टिकोण यानी जो आपका सिचुएशनल अप्रोच है, ठीक है, सिचुएशनल अप्रोच का जो हिंदी होता है वो होता है स्थिति जन्य दृष्टिकोण, यानी वैसा ही स्थिति बनाना, वैसा ही वातावरण बनाना, वैसा ही माहौल बनाना, बहुत सारे अर्थ हैं. तो क्या कह रहा है कि द सिचुएशनल अप्रोच इंडिकेट्स यानी जो आपका सिचुएशनल अप्रोच होता है या इंगित करता है यानी इंडिकेट करता है एज टू हाउ अ टीचर शुड क्रिएट यानी जो एक टीचर है वो कैसे अ रियल सिचुएशन इन द क्लासरूम यानी वो किस तरीके से वास्तविक स्थिति कैसी बनानी चाहिए, इससे इसके थ्रू आप सभी को यानी जो टीचर है उसको बहुत ही अच्छे से प्राप्त यानी जो भी सिचुएशनल अप्रोच के थ्रू उसको पता लगता है कि किस तरीके से एक क्लासरूम को किस तरीके से क्रिएट करना चाहिए ताकि रियल सिचुएशन बन सके. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अ पार्टिकुलर सिचुएशन हेल्प द टीचर टू प्रोवाइड. ठीक है, यहाँ पे प्रोवाइड होगा, गलती से मिस्टेक हो गया है, प्रोवाइड प्रैक्टिस टू द पीपल्स. ठीक है, पीपल्स टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग. देखिए यहाँ पे क्या कहता है, यहाँ पे पीपल्स रहेगा, ठीक है, यहाँ पे पीपल्स और यहाँ पे प्रोवाइड, सही कर लीजिएगा. सबसे पहले अ पार्टिकुलर सिचुएशन हेल्प द टीचर यानी अगर उसका जो सिचुएशन बनाता है सबसे ज़्यादा सहायता किसको होता है, वो टीचर को होता है. क्यों? क्योंकि अगर वो सिचुएशन बहुत ही अच्छा रुचिपूर्ण बना लेता है तो जो कुछ भी पढ़ाता है वह सिखाता है उसको, जो कुछ भी समझाता है उसको बहुत ही आसानी रहेगी. ठीक है, यानी जो भी अपने शिष्य को समझा रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो उसको बहुत ही आसानी हो जाती है जब इस तरीके का वो सिचुएशनल बना लेता है. तो यही कह रहा है, अ पार्टिकुलर सिचुएशन हेल्प द टीचर टू प्रोवाइड प्रैक्टिस टू द पीपल्स टू एक्सप्लेन इट्स मीनिंग यानी बहुत ही आसानी तरीके से और सबसे ज़्यादा सहायता मिलती है वो टीचर को ही मिलती है और बहुत ही आसानी के साथ वो अपने शिष्यों के साथ एक्सप्लेन कर सकता है, उनका अर्थ बता सकता है और उनको प्रैक्टिस करवा सकता है. ठीक है, आगे देखते हैं, अ पार्टिकुलर सिचुएशन मे बी क्रिएटेड इन द क्लासरूम बाय यूज ऑफ मैप्स, पिक्चर, वेरियस, ठीक है, ऑब्जेक्ट और बाय ड्रॉइंग ऑन द ब्लैक बोर्ड. इट कैन थस बाय रिलीज दैट टू क्रिएट अ रिलेवेंट सिचुएशन इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यानी आप किस तरीके से सिचुएशनल अप्रोच को क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो एक क्लासरूम में, आप मैप्स के थ्रू, पिक्चर के थ्रू, विभिन्न
ठीक है, वेरियस मतलब होता है आपका, वारियस मतलब होता है विभिन्न तरीके होते हैं, विभिन्न तरीके, और बाय ड्राइंग यानी कला के थ्रू ब्लैक बोर्ड पे आप बना के सिखा सकते हो। इट कैन थस बी रिलीज दैट क्रिएट अ रिलेवेंट सिचुएशन इज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यानी जब आप इस तरीके का सिचुएशनल बना लेते हो तो यह महसूस किया जा सकता है कि यह एक प्रासंगिक स्थिति बनाने के लिए क्या है, व्यवहारिक, यानी बहुत ही अच्छे से जो भी आपके सामने जो भी प्रॉब्लम आती है आप बहुत ही आसानी के साथ इसको हल कर लेते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं, आप मेरिट भी कह सकते हो, एडवांटेज ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, यानी जो आपका सिचुएशनल अप्रोच है क्या है इसके लाभ। पहला तो देखिए, इट्स क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स, यानी जो आपका ये इसका जो पहला लाभ यही होता है कि इससे क्या होता है, छात्र के बीच में रुचि पैदा होती है। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसके लिए जो टीचर है वो बहुत सारे मतलब कि नक्शे द्वारा, चित्र द्वारा, विभिन्न वस्तुओं के द्वारा ब्लैक बोर्ड पे ड्राइंग करके इस तरीके से बहुत ज़्यादा मतलब कि वो प्रैक्टिस, या आप कह सकते हो कि उनको समझाने के लिए वैसा वातावरण बनाता है, तो क्या होता है कि उनको, छात्र जो होते हैं वो उनको रुचि आती है। तो इसका पहला बेनिफिट तो यही हुआ, इट्स क्रिएट इंटरेस्ट अमंग द स्टूडेंट्स। एम्फेसिस इज गिवन ऑन लर्न बाय प्ले, यानी यहाँ पे हो जाएगा कि आपका मतलब हो जाता है, एम्फेसिस मतलब होता है जोर देना या बल देना। ठीक है, एम्फेसिस इज गिवन ऑन लर्न बाय प्ले, यानी आप कह सकते हो कि जो जो भी छात्र होते हैं, जो कुछ भी सीखते हैं, वो सीखने पे बहुत ज्यादा बल देते हैं। ठीक है, एम्फेसिस इज गिवन ऑन लर्न बाय। देखिए अगला जो आपका पॉइंट कहता है, एक्शन चांस मेक द क्लासरूम एटमॉस्फेयर। ठीक है, यहाँ पे एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेयर मतलब होता है वातावरण, लेबली, यानी जो आपका यह जो क्रिया होता है यह बहुत ही अच्छे, यानी आप कह सकते हो कि क्लास को जीवंत बनाते हैं, या आप कह सकते हो यानी जीवंत यानी बहुत ही सुंदर वातावरण बन जाता है। अगला जो आपका यहाँ पॉइंट कहता है कि लॉट ऑफ मटेरियल एंड यूज टू मेक द लर्निंग सुटेबल एंड इंटरेस्टिंग, यानी यहाँ पे इसका जो मतलब हो जाएगा कि बहुत सारी सामग्री और सीखने को उपयुक्त और दिलचस्प बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी बहुत सारे मटेरियल एंड ताकि जो आप कुछ भी सीख रहे हैं, जो कुछ भी स्टूडेंट सीख रहे हैं, बहुत ही आसानी के साथ सीख ले, समझ ले, तो इसलिए बहुत सारे मटेरियल का यूज या उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हो, लॉट ऑफ मटेरियल एंड यूज टू मेक द लर्निंग सुटेबल एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब देखिए, लॉट ऑफ एग्जाम्पल कैन बी गिवन, यानी बहुत सारे उदाहरण भी दिए जा सकते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट, स्ट्रेस इन गिवन ऑन लर्निंग थ्रू लर्निंग, यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है, कि जो आपका जो बल दिया जाता है, स्ट्रेस दिया जाता है, वो बहुत ज़्यादा सीखने पे बल दिया जाता है कि उनको किस तरीके से सिखाया जाए, तो इसीलिए तो बहुत सारे मटेरियल का भी यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसका डिसवांटेज क्या हो जाता है, डिसवांटेज ऑफ द सिचुएशन अप्रोच, यानी जो आपका जो अप्रोच होते हैं इसकी क्या कुछ कमी है इसके बारे में हम जानते हैं। सूटेबल ऑफ लोअर क्लास, क्यों क्यों ये लोअर क्लास में, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उन पे ही ये ज़्यादा सूट करेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि जब बड़े, यानी जो बड़े, जैसे कि हम कह सकते हैं जो सीनियर क्लास में, अगर हम इसका यूज करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और हर एक जो कुछ भी टॉपिक पढ़ा रहा है इसमें यही होता है कि अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हो तो वैसा ही वातावरण बनाना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम कहें कि आप बर्ड, यानी बर्ड के बारे में कुछ बता रहे हो, चिड़िया के बारे में बता रहे हो, तो आप वैसे ही, आप हो सके तो उसका आप चिड़िया का फोटो लाएं, पिक्चर लाएं, या फिर आप ब्लैक बोर्ड पे वैसे ही बनाएं, यानी वो सब कुछ आपको करके और बहुत ही एक्सप्लेन करके समझाना होता है। तो इसलिए यह लोअर क्लास में सुटेबल है, ना कि बड़े क्लास में। ठीक है, नो नीड सीनियर क्लास, यानी बड़े क्लास में इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, क्यों, क्योंकि वो इतना जरूरत नहीं होता है, इतना समझाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, वो आसानी के साथ समझ सकती है, इसलिए यह सीनियर क्लास में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। टेक्स्ट बुक कैन नॉट बी टॉट बाई दिस मेथड, यानी आप सिंपल हम कह सकते हैं कि किताबी भाषा का यूज नहीं किया जा सकता है इसमें, क्योंकि हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से क्लियरली तरीके से बताया जाता है, तो इसलिए किताबी भाषा का यूज नहीं किया जाता है। फ्रेंड
टीचर सॉरी यहाँ पे रहेगा ट्रेन टीचर रिक्वायर्ड फॉर इट, यानी यहाँ पे एक अच्छे ट्रेन टीचर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि जब तक एक अच्छा ट्रेन टीचर नहीं रहेगा तब तक किसी भी टॉपिक को अगर पढ़ाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि उनको समझाना है, तो इसलिए एक ट्रेन टीचर की आवश्यकता पड़ती है, ताकि हर एक टॉपिक हर एक ऑब्जेक्ट के तरीके से मटेरियल के थ्रू एक्सप्लेन करके और बहुत सारे एग्जाम्पल उसके पास होने चाहिए। तो इसलिए आप कह सकते हो कि ट्रेन टीचर की आवश्यकता पड़ती है। तो फ्रेंड्स ये पूरा था सिचुएशनल अप्रोच। अगर मैं शॉर्टली में बताऊँ कि सिचुएशनल अप्रोच होता क्या है, तो सिचुएशनल अप्रोच जो होता है, जैसे एक शिक्षक होता है और एक या बहुत सारे शिष्य होते हैं, तो शिक्षक का उसमें ये रोल होता है कि वो जो कुछ भी सिखाए उनको बहुत ही आसानी से समझ में आना चाहिए। इसके लिए यह सिचुएशनल अप्रोच बनाया गया। इसके लिए सबसे पहले कहा गया कि अगर आप जो कुछ भी सिखाना चाहते हो, अगर शिष्य पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करना चाहते हो, तो आपको सबसे पहले वैसा वातावरण बनाना चाहिए, वैसा माहौल बनाना चाहिए, ठीक है। और मैं आप सभी को बताऊं कि बहुत ही कम उबाऊ जो आपका ये विधि है, इसमें बहुत ही बच्चे कम उबते हैं, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, आपने देखा कि चित्र के द्वारा, ठीक है, ब्लैक बोर्ड पर ड्राइंग करके, मैप्स के द्वारा, मतलब बहुत सारे मटेरियल का यूज़ किया जाता है, ताकि उनको कुछ भी मतलब उबाऊ ना लगे और आसानी के साथ सीख सकें, ठीक है। तो देखिए सिचुएशनल अप्रोच, क्योंकि आप सभी को इंग्लिश में याद करना है, इंग्लिश में लिखना है, तो सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है इसी पे करना है। द सिचुएशन अप्रोच इंडिकेट्स एज टू हाउ टीचर शुड क्रिएट अ रियल सिचुएशन इन द क्लासरूम, यानी एक शिक्षक को इंडिकेट करता है कि आपको किस तरीके से एक रियल, ठीक है, वास्तविक सिचुएशन किस तरीके से बनाना है, ठीक है। उसके बाद अ पार्टी, यानी सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है ये इससे आपको शिक्षक को ही मिलता है, क्योंकि अगर वो जो कुछ भी उनके सामने, क्योंकि वैसा जब वातावरण बन जाता है तो जो कुछ भी पढ़ाते हैं उनको बहुत ही आसानी से समझ में आता है। उसके बाद पार्टिकुलर सिचुएशन में भी क्रिएटेड, यानी आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, तो मैप के द्वारा, पिक्चर के द्वारा, विभिन्न ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, ड्राइंग के द्वारा। उसके बाद देखिए एडवांटेज ऑफ सिचुएशनल अप्रोच, यानी क्या क्या इसके लाभ है। इट्स क्रिएट इंटरेस्ट, यानी बहुत ज़्यादा रुचि आती है। इम्फेसिस इज गिवन ऑन लर्न बाय प्ले, यानी बहुत ज़्यादा सीखने पर बल दिया जाता है, खेलने पर बल दिया जाता है, यानी खेल में ही बहुत कुछ सिखा दिया जाता है। एक्शन चेंज मेक द क्लासरूम एटमोसफेयर लीवली, यानी बहुत ही ज़्यादा, यानी इस एक्शन के थ्रू जो क्लासरूम होता है, आप कह सकते हो कि जो उसका वातावरण होता है वो जीवंत या बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाता है। लोड ऑफ मटेरियल एंड यूज टू मेक द लर्निंग सूटेबल एंड इंटरेस्टिंग, यानी इसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इनका जो उद्देश्य होता है कि किसी भी टॉपिक, किसी भी कुछ भी सिखा रहे हो तो वो आसानी के साथ समझ ले, रुचिपूर्ण हो सके, इसलिए बहुत ज़्यादा मटेरियल का उपयोग किया जाता है। लॉट ऑफ एग्जांपल कैन बी गिवन, यानी बहुत ज़्यादा उदाहरण भी दिए जाते हैं। स्ट्रेस इन गिवन, यानी सबसे ज़्यादा बल सीखने पे और स्पीकिंग यानी बोलने पर भी दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे स्पीकिंग रहेगा। अब डिसवांटेज, यानी यह जो होता है सूटेबल लोअर क्लास में केवल है, ठीक है, नो नीड सीनियर क्लास, और किताबी भाषा का उतना यूज़ नहीं किया जाता है, और इसके लिए एक ट्रेन टीचर की आवश्यकता पड़ती है। तो बस आप सभी को इतने ही कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि याद करने होने होंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने जितने भी अप्रोचेज या मेथड वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक, और मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में।